I'll sing for you after that, I promise you. Hi Shahid, Preeti from Jaipur. Hello Preeti. Everybody's from a different city today. I'm very intimidated by this. Yes. Okay. Yeah, the diversity. Okay, मेरा क्वेश्चन आपसे ये है कि जो वल्गर वर्ड्स हैं वो एक टाइम तक सिर्फ स्टैंड अप कॉमेडियन जो प्लेटफॉर्म है वहीं तक सीमित रहते थे, अब वही चीज़ें आप फिर से पूछे, मैं मुझे समझ नहीं आया आप क्या कह रही हैं। जो वल्गर वर्ड्स होते हैं वो वल्गर वर्ड्स, हाँ जी, वो स्टैंड अप कॉमेडियन या कॉमेडियन शोज तक ही सीमित रहते थे, अब वो चीज़ें और इस तरह के अवार्ड फंक्शंस में भी आने लगे हैं। हमने कहाँ एक भी वल्गर वर्ड यूज़ किया है यहाँ पे? सर आप पहले एक बार पूरा क्वेश्चन सुन लीजिए। यस मैम, सॉरी। तो इस तरह की चीज़ें क्योंकि हम जीत सी ने अवार्ड Okay. I think her question was whether it is okay to take stand-up comedy with a little vulgar twist on to the award stage. Is that okay or not? I think was her question. Well, I personally would not support the use of vulgar language. I am personally not very comfortable with it. Or up to aap ab bhi upset hain. I don't know. I think the guy next to us stole the mic or something. बट नहीं, हम वल्गर वर्ड्स नहीं यूज़ करेंगे, आप अपसेट मत होइए। अब तक मैंने कभी यूज़ नहीं किए हैं और आगे की भी कोशिश यही रहेगी कि हम ना करें। और आपका सवाल बहुत वैलिड है कि आई थिंक देर शुड बी अ लिटिल बिट ऑफ सेंसिटिविटी एक्सरसाइज या एक फ़िल्टर होना चाहिए। और आई थिंक वो मोरालिटी का फ़िल्टर है, तो बहुत पर्सनल चीज़ है। कुछ लोगों को थोड़ा ओपनली बात करने में कंफर्टेबल फील होता है, दे फाइंड इट वेरी ह्यूमरस। कुछ लोगों को वो चीज़ें अनकंफर्टेबल लगती हैं। तो आई थिंक इट्स डिफिकल्ट टू ड्रॉ अ लाइन विच होल्ड्स ट्रू फॉर एवरीबडी। आई थिंक एवरी इंडिविजुअल हैज़ टू फाइंड इट फॉर देमसेल्व्स। एंड आई थिंक वी हैव द राइट काइंड ऑफ सेंसर बोर्ड्स वेर एवर रिक्वायर्ड कि वो गलत चीज़ टेलीकास्ट ना हो। बट एट जी सिने अवार्ड्स वी विल स्पीक वेरी नाइस स्वीट लवली वंडरफुल वर्ड्स एंड ऑल्सो ट्राई टू एंटरटेन यू। हाई सोनाक्षी एंड कीर्ति, भावना हियर from Mumbai. Hi. I'm from Zee News. How excited you guys are for Zee Cine Awards, and aap aur Kirti kya kuch karne wali hai, performances, what all songs, kya kuch plan? I'm actually really excited because if there's anything that I love to do the most in my profession is to perform on stage, and I think it's a different kind of energy that comes into me when I'm on stage. So I'm really, really excited. And yes, I'm going to do something different in this act as well. It's going to be a lot of the popular songs, a lot of the songs that you all love. And what I'm also really looking forward to is his performance the most. Our choreographer, Marzi, he came to my house right after he went to his, and he had so much energy in him. I was like, Marzi, what have you eaten? And come, he's like, I went to AK's house. He's got so much energy. I'm fully pumped up. I was like, bas ho gaya. Nobody's going to look at us now that he's performing. So that. Yeah, see, मेरे शो को हाइप कर रहे हैं, मेरे आइटम को हाइप कर रहे हैं, मेरे एंट्री को आइटम, यू आर डूइंग सम आइटम नंबर, इनकी तारीफ और मेरी तारीफ नहीं हो। अरे यार, जितना सोचा था उतना है नहीं, ऐसा मत करो यार, डोंट हाइप इट सो मच प्लीज, यू नो वेरी वेल।